सर सर को माइक पर आमंत्रण कर रहा हूँ कि आगे और सर की जिंदगी पर कुछ प्रकाश डाल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे गार्जियन तुल, हमारे अमरीका सर, हमारे सहयोगी, सारे शिक्षक वृंद, ज्ञान पिपासु, मेरे छात्र छात्राओं, ये पल बहुत ही भावित पल है। हृदय के उद्गार एक शोक रूप में निकल रहा है। सब गले में अवरुद्ध हो रहे हैं। आप बच्चों के लिए जिस प्रकार हमारे अंबिका सर एक गुरु थे, हम शिक्षकों के लिए भी उन्होंने वही स्थान धारण किया है। जब से सर का आगमन हुआ है इस विद्यालय में, हर क्षण हर पल वो अपना मार्गदर्शन हम लोग को देते रहे हैं, अपना बरद हस्त हम सभी शिक्षकों के सर पे उनका रहा है। उनके मार्गदर्शन में चलकर मैं अनुभव किया हूँ कि बच्चों के बीच, समाज के बीच, अपने शिक्षक समाज के बीच कैसे मान सम्मान पाया जा सकता है। यह कोई एक शिक्षक, एक गुरु ही सिखा सकता है, एक पिता ही सिखा सकता है। तो सर का अनुभव एक पिता कुल रहा है। जब से सर अपने कर्तव्य पथ पे आए हैं और आज शारीरिक रूप से हमसे दूर हो रहे हैं, मेरी ये तमन्ना है, मेरी इच्छा है और आशा और विश्वास है कि सर का आशीर्वाद बरद हस्त हम शिक्षकों के ऊपर से, आप बच्चों के ऊपर से कभी भी हटेगा नहीं। शरीर दूर हो सकता है लेकिन आत्मा कभी दूर नहीं हो सकती। एक छोटी सी व्याख्या है कि सूरदास कभी एक कुएं में गिरे हुए थे, उसमें भी वो भजन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे। आत्मभाव से जब पुकारे, भगवान आए और उनका हाथ पकड़कर उसे कुआं से बाहर निकाल दिए। जब कुआं से निकाल दिए और भगवान जाने लगे तो सूरदास जी बोले कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो, आप हमसे दूर ना जाओ। भगवान चले गए तो सूरदास का वाक्य था कि हाथ छुड़ाकर जात हो, हृदय से जाओ तब मैं तुम्हें बलवान समझूंगा। मैं उसी तरह से आज कहना चाहूंगा कि सर, हमारे अंबिका सर, आप शरीर रूप से आप बेशक हमसे दूर हो जाए लेकिन हमारे आत्मा से, हम शिक्षकों के आत्मा से, हम बच्चों के आत्मा से आप दूर होकर जाए तो मैं आपको मानूंगा। आप कभी भी ओझल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका जो ज्ञान मिला है हम बच्चों को, हम शिक्षकों को, वो कभी भी दूर नहीं हो सकता है। आपका हर वो वाक, आपका हर वो शब्द हमारे जीवन में प्रकाशमय रहेगा और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक आपकी यादें हम सभी में बना रहेगा। कभी भी आप हम लोगों से दूर नहीं हो सकते। आप शारीरिक रूप से यहां से जाएं, दुख की घड़ी है लेकिन यह दुख की घड़ी से ज्यादा वह सुखद अनुभव होगा
जब आपके द्वारा दिया गया शिक्षा हम बच्चों में, हम शिक्षकों में, जब भी आपके वो वाक्य, जबकि आपके द्वारा बताया गया वो सारी बातों को हम याद करेंगे, एक सुखद अनुभव होगा, हम अपने जीवन में कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और ईश्वर से यह कामना करूंगा कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, ताकि शारीरिक रूप से मिलन हो या फोन से भी बात हो, आपका आशीर्वाद मिले, आपका मार्गदर्शन मिले, आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सर ने सर के जीवन के